नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमिदं पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं शूद्रवाच्यकृतौ वंदे भगवतौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तत्व समन्वयात् का भाष्य पूरा होने के बाद बताने के बाद यहाँ पूर्व पक्ष लोग खड़े हो गए। वो अपना शंका उठाने लगे। अत्र अपरे प्रत्यवतिष्ठन्ते, मतलब वह विरोध रूप से सिद्धांत का विरोध रूप से खड़े हो गए। यद्यपि शास्त्र प्रमाण कम ब्रह्मा तथापि प्रतिपत्ति विधि विषयतया एव शास्त्रेण ब्रह्म समर्प्यते यथा यूप आहवनीयादीनि अलौकिकानि अपि विधिशेषतया शास्त्रेण समर्प्यन्ते तद्वत्। पहले दृष्टांत सुन लो। यूप कहते यज्ञ जहाँ कहते हैं करते हैं वहाँ एक कंबा गाड़ते हैं, उसका ऊपर पशु का ऐसा रहता है, पशु का शिकार के उसको काटते, उसको कहते यूप। और आहवनीय अग्नि का नाम है आहवनीय अग्नि। ये दोनों जो है वो यूप कंबा आहवनीय आदि अलौकिकानी अपि, लौकिक तो है ही नहीं, मतलब फल अलौकिक देगा वो, अलौकिकान्य अपि विधिशेषत्या विधि का अंग बन के शास्त्र के द्वारा बताया गया। शास्त्रेण समर्प्यन्ते विधि का अंग होके शास्त्र के द्वारा बताया गया। ऐसे ही तुम जो ब्रह्म ब्रह्म जो कहते हो ना, वो भी विधि का अंग होकर शास्त्र के द्वारा बताया गया। ये पहला शंका है। प्रतिपत्ति विधि विषयतया एव, प्रतिपत्ति स्वीकृति विधि विषयतया एव, विधि का विषय बनते हुए शास्त्र के द्वारा ब्रह्म का बताया गया। जे कैसे यूप और आहवनी जैसा समर्पयन्ते, यूप यूप आहवनी अग्नि का नाम है, यूप कंबे का नाम है, दोनों यज्ञ का अंग बनते हैं ना। अग्नि जो प्रज्वलन करते हो तो यज्ञ का अंग है, और यूप भी जो है वो जिसमें जानवर को काटते हैं वो कंबे को यूप कहते हैं, वो यज्ञ का अंग है। ये जैसा अंग है ये ब्रह्म भी विधि का अंग मानकर, अब देखो पहले ज्ञान आपको सिर पर चांदी दिखाई पड़ा, आप उठाने के लगे, चांदी तो है नहीं, सीप सीप है। सीप का ज्ञान होने के बाद वहां कुछ करने का जरूरत नहीं है। रस्सी का ज्ञान होने के बाद शास्त्र का सर्प का डर निकल गया, वहां कुछ करने का है नहीं। ऐसे ही ज्ञान के द्वारा आत्मा ही ब्रह्म है यह पहले परोक्ष अनुभव हो जाता है। उसको दृढ़ करने के लिए श्रवण के द्वारा परोक्ष अनुभव हो गया, उसके बाद दृढ़ करने के लिए मनन निध्यासन कर लो, उसको दृढ़ कर लो, परोक्ष का अपरोक्ष कर लो। यहां किंतु कुछ करने का जरूरत है ही नहीं। कुछ कर्म करने का जरूरत नहीं ना, किंतु विधि मतलब यज्ञ कर्म है। जैसा शास्त्र में यज्ञ का अंग बताया कौन अग्नि और यूप स्तंभ, वैसा ही तुम्हारा ब्रह्म भी कर्म कांड का अंग है, ऐसा पूर्ववादि कहता है। ब्रह्म क्या है? अंग है, विधि का अंग है। ऐसा कुतः एतत्, क्यों भाई? प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजन परत्वा शास्त्रस्य, ये है पूर्व मीमांसक। पूर्व मीमांसक कर्मकांड को ही मानता है, ज्ञान को नहीं मानता, उपनिषद को नहीं मानता। वो कहता है आपका स्वर्ग ही मोक्ष है, मोक्ष को मोक्ष नहीं मानता, स्वर्ग को मोक्ष मानता है, और
ईश्वर को नहीं मानता है और सारा वेद कर्म को ही बता रहा है, ज्ञान जो है कर्म का स्तुति करता है बोलता है, उल्टा बोलता है, इसे उनका प्रश्न है ये। अब क्या कहते हैं, प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजन परत्वा शास्त्रस्य, शास्त्र में वेद में क्या कहा गया भाई पूछने से, कहीं प्रवृत्ति आप कुछ फल चाहिए आपको, स्वर्ग चाहिए दश पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग काम हो ये तो एक दधा जो होती इंद्रिय काम, हाँ इंद्रिय पुष्टि कहते हैं दधि से हवन करो, कारी आगे उष्टि काम हो ये तो कारी याग के द्वारा बारिश आए तो याग करो, कारी याग करो, ये सब क्या है वह प्रवृत्ति है, नहीं होने से कहते हैं मां हिंसा सर्वभूतानी निवृत्ति है, कलंजन न बख्शेत, विषाक्त बाण से मरा हुआ जानवर का मांस मत खाओ, ये सब क्या है निषेध है, ऐसा ही वो कहते हैं शास्त्र सारा जो है ना, चाहे आपको प्रवृत्ति बताए नहीं तो निवृत्ति बताएगा, अब ज्ञान काट में ना प्रवृत्ति है ना निवृत्ति है, केवल बैठ के चिंतन करो, चिंतन करके बस हो गया ना, अब यहाँ प्रवृत्ति नहीं निवृत्ति नहीं, इसीलिए तुम्हारा ब्रह्म भी शास्त्र के अनुसार प्रवृत्ति निवृत्ति वाला होना चाहिए, ऐसा शंका है पूर्वादि। तथा ही शास्त्र तात्पर्य विधानम अनुक्रमणम, ऐसा ही शास्त्र का भी विधान भी है, दृष्टो ही तस्य अर्थः कर्मावबोधनम नामा, देखो दुष्ट फल दिखता है तस्य अर्थ शास्त्र से अर्थ कर्मावबोधनम, कर्म का ही बोध करेगा, इति चोदना इति क्रियायाः प्रवर्तकम वचनम, विधि को कहते हैं वह संस्कृत में चोदना, मतलब क्रियायाः प्रवर्तकम वचनम, क्या है विधि, अब दशपूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता ये विधि है वाक्य, किंतु जिसके अंदर स्वर्ग का इच्छा है वो व्यक्ति याग करेगा, संन्यासी जाके तो करेगा नहीं ना, इसलिए वो कहता है विधि क्या है, पहले उन्होंने कहा सारा शास्त्र विधि का अंदर है, इसलिए विधि क्या है बोलता है वो क्रिया यह प्रवर्तकम वचनम, क्रिया में आदमी को लगाने वाला वचन को विधि कहते हैं, तस्य ज्ञानम उपदेश विधि का ज्ञान, तस्य मतलब यह विधि का ज्ञान ही उपदेश है, तद भूतानाम क्रियार्थेन समामनायः, ऐसा काम करने के लिए ये वेद का वचन है, आमना ऐसे क्रियार्थत्वाद अनर्थकम् प्रदत्तानाम, संपूर्ण वेद किसी कर्म कांड को बता रहा है, कर्म कांड जो नहीं बताने वाला है व्यर्थ है, जैसा कल बताया था मैंने वो बरही रजतम न देयम, वो निषेध है, मतलब बरही याग में चांदी का दान नहीं देना चाहिए, जो चांदी का दान दिया वो रोया, ये निषेध है, नहीं से निंदा है, ऐसे ही स्तुति भी है, अक्षयम वही चातुर्मासी आदि न, चातुर्मासी याग करने वालों का बहुत फल मिलता है, मोक्ष से भी ज्यादा फल मिलता है बोलता है, चतुर्मास व्रत करने वालों का बहुत इतना स्तुति है, मतलब चतुर्मास याग चतुर्मास व्रत करो, अक्षय वै चातुर्मासी याजिन यज्ञ कहा दिया वैसे व्रत है वो, इसलिए ये क्या है निंदा और स्तुति, निंदा और स्तुति वाक्य किसी ना किसी कर्म के साथ जुड़ेगा ना, सो रोधी निंदा है बरही याग से जुड़ा है, और ये जो स्तुति अक्षय वही और चातुर्मास व्रत के द्वारा जुड़ा है, ऐसा ही स्तुति निंदा करके विधि के साथ जो रहता है वही वेद का अर्थ है, स्तुति निंदा और विधि जो नहीं बताएगा वे वेद नहीं है, मतलब तुम्हारा ज्ञान कांड से बेकार है, तो ज्ञान कांड क्यों बताया पूछोगे आप, वो कहता है देखो जब तुम अभी याग यहाँ किया आप भी मर गया याग भी चले गया
किद याग का फल आपको मिलना है स्वर्ग, इसका मतलब क्या है? आपका इस शरीर से अतिरिक्त कुछ ना कुछ है जो स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग का फल भोगेगा। ये जो शरीर से अतिरिक्त कुछ है इसका स्तुति कर रहा है तुम्हारा सारा उपनिषद, ऐसा कहता है ज्ञान कांड। पूर्व पक्षी नहीं मानते, पूर्व पक्षी कहता है ज्ञान को तो मानता नहीं, मोक्ष क्या है भाई तुम्हारा, बोलते स्वर्ग। और स्वर्ग में फिर तुम यज्ञ तुम्हारे यहाँ खत्म हो गया, तुम स्वर्ग कैसे जाओगे? ये तो तुम्हारा स्तुति कर रहा है ज्ञान कांड, आत्मा से शरीर से अतिरिक्त कुछ है वो स्वर्ग जाएगा, हम भी तो वही कह रहे हैं। तो वो मतलब आत्मा का खाली स्वर्ग, मोक्ष खाली स्वर्ग तक के मानते हैं। हाँ, बस इसीलिए वो कहता है स्वर्ग को। अरे ये शास्त्र है ना, वो पूर्व मीमांसक है, वो उनका स्वर्ग ही मोक्ष है। इसलिए वो कहता है विधि होना चाहिए, निषेध होना चाहिए, नहीं से निंदा होना चाहिए, स्तुति होना चाहिए। ये सब जो बता नहीं बता रहा है वो वेद नहीं है। फिर ज्ञान कांड क्या है भाई? हमारा कर्म कांड का स्तुति है तुम्हारा ज्ञान कांड देख। इसलिए वो गीता में दूसरा अध्याय में आता है ना, यामिमां पुष्पतम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चित वेदवादरता पार्थ नाजिनस्ति दिवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुला भोग ईश्वर गतम पुते। वो क्या है? कर्म कांड ही है। इति च अतः पुरुषम क्वचिद विषय विषये प्रवर्तयत कुतश्चिद विषय विषयान निवर्त्य च अथवा शास्त्रम। इसीलिए शास्त्र वही है, किसी का पुरुष को किसी काम में लगाएगा नहीं से किसी काम से हटाएगा, वही शास्त्र होता है। और तुम्हारा ज्ञान में तो न प्रवर्तक है न निवर्तक है, इसलिए तुम्हारा ज्ञान कांड हम नहीं मानते हैं। तस्य शेष दिया मतलब कर्म कांड का अंग रूप से शेष दिया च अन्यद उपयुक्तम, अन्यद ज्ञान कांड उपयुक्तम। देखो ऐसा कहता है तत् सामान्याद वेदांतानामपि तथैव अर्थवत्तम स्यात्। और तुम्हारा ज्ञान कांड सब हमारा कर्म कांड का स्तुति कर रहे, इसलिए तो भाई कर्म कांड का स्तुति करने वाला है, ऐसे अर्थ है। सती च विधि परत्वे यथा स्वर्गादि कामस्य अग्निहोत्रादि साधनम विधीयते एवं अमृतत्व कामस्य ब्रह्म ज्ञानम विधीयते इति उक्तम। अब ये जो है सिद्धांती बता रहे विधि परत्वे, सती जे विधि परत्वे, आप कहते हो वेद है विधि परक, इसीलिए स्वर्ग काम तुमको चाहिए। स्वर्ग कामस्य अग्निहोत्रादि साधनम, जो नित्य अग्निहोत्र करता है वही दश पूर्णमासी कर सकता है, वही स्वर्ग जा सकता है। इसलिए स्वर्ग जाने के लिए साधन क्या है? अग्निहोत्र आदि। ऐसा ही एवं अमृतत्व काम से, फिर मरना नहीं फिर जन्म नहीं लेना है, ऐसा कामना वालों को ब्रह्म ज्ञान विधीयते इति उक्तम, उसके लिए तुम ब्रह्म ज्ञान बताते हैं। ऐसा कहने पर ननु यह जिज्ञास वैलक्षण्यम उक्तम, तब वो कहता है भाई वहां तो अथा तो धर्म जिज्ञासा कहा, कर्मकांड शुरू करने के पहले क्या कहा? यह क्या कहता था? तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा अलग है ना। वहां जो वेद विहित कर्म करना चाहता है उसका धर्म क्या जानना चाहिए, यहां ब्रह्म क्या चीज क्या ये जानना चाहिए। किसका तुम जिज्ञासा करना चाहते हो उसका तो स्वरूप तो जानना चाहिए ना, इसीलिए यहाँ अधातो धर्म जिज्ञासा, वहां यहाँ अधातो ब्रह्म जिज्ञासा कहा। इसलिए जिज्ञासा वैलक्षण तो कर्म कांडे भव्यो धर्मो जिज्ञासा, कर्म कांड के धर्म के बारे में यह तो भूतम नित्य निर्वृत्तम ब्रह्म जिज्ञासा, जो वस्तु पहले से मौजूद है कौन? ब्रह्मा। इसीलिए ज्ञान के बाद में महेंद्रान का ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति, क्या कहा? ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति, पहले भी ब्रह्म था अभी ब्रह्म हुआ, पहले ब्रह्म नहीं होता कहां से ब्रह्म होता हुआ? आपके भीतर पहले से है ना,
आत्मा ब्रह्म वो ढक गया, उसको आप भूल गया। फिर वेदांत विचार के द्वारा, मनन निध्यासन के द्वारा उसको आप अनुभव कर लिया। जो आपके पास है उसी को आप अनुभव कर लिया। इसको कहते प्राप्तस्य प्राप्ति। पहले से हम वेदांत क्या बोलते हैं, सब सभी जगह ब्रह्म है, सबका भीतर ब्रह्म है, उसी को आप अनुभव कर लेते हो। इसलिए भूतम वस्तु ये है, वहां पुरुष तंत्र है। कर्म क्या है, पुरुष तंत्र है। कर सकता है, नहीं कर सकता है, उल्टा कर सकता है, किंतु यहां कुछ बदल नहीं सकते हो। जो आत्मा है वह आत्मा है, जो ब्रह्म है वह। इसलिए नित्य निरुत्तम हमेशा रहता है ब्रह्म, उसको जिज्ञासा करो। जो पहले से है वो हमेशा जो रहता है उसके बारे में जिज्ञासा, किंतु वहां क्या है, धर्म जिज्ञासा। यहां पिछले बार एक बात कहा था, फिर आप एक बात स्मरण कर लो। देखो कर्मकांड के लिए पहले प्रत्येक अध्यास आत्मा और मन का एक मानकर अहम बोलते हो, मन के बाद इंद्रियों का अध्यास, इंद्रियों के बाद शरीर का अध्यास, शरीर के अध्यास के बाद कर्तृत्व भोक्तृत्व फल का आकांक्षा, मैं अमुक कर्म कर रहा हूं विधि का, हमको ये फल चाहिए, इत्यादि 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 कर्म में आरोप करते रहता है। वहां ज्ञान में क्या है, कर्तृत्व नहीं, भोक्तृत्व नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं इंद्रिया, वहां निषेध। इसलिए कर्म और ज्ञान का कभी भी तालमेल एक साथ नहीं हो सकता है ना। इसलिए वो क्या करता है, वहां धर्म का जिज्ञासा, कर्म करना है, तुम लादते जाओ लादते जाओ लादते जाओ ऊपर, यहाँ क्या है, नीति नीति निकालते जाओ निकालते जाओ। किंतु ये जो जितने भी बड़े भी ज्ञान कांड का आलंबन करने वाला हो, ये इतना चीज जो है ना, एकदम एक सेकंड में अध्यास हो जाता है। इसीलिए आमृते राम क्या है, आसुप्ते रामृते कालम नियत वेदांत सूत्र। ये अध्यास जो है ना, जितना भी करने वालों का एक सेकंड में हो जाता है, मैं शरीर को बोल देता है। इसीलिए ये शरीर और आसुप्ते रामृते कालम नियत वेदांत चिंतया, आमृते मतलब सोने तक मरने तक वेदांत का विचार करते ही रहो। काले आसुते रामृते काले नहीं वेदांत चिंतया, और एक क्षण भी दूसरा किसी इच्छा का, आसुते रामृते काले नहीं वेदांत चिंतया, कालम काले नहीं कालम, कालम वेदांत चिंत। क्यों, शरीर मन इंद्रिय सोने तक मतलब नींद आके सो ठीक सोने तक। इसलिए ना गोपीचंद जानते हो, गोपीचंद नाम सुना, भतुरी के बामा भांजा, भतुरी का भांजा, वो घर छोड़ के जाना चाहते थे सन्यासी सन्यास लेने के लिए। तब माँ उनको उपदेश करती है, बेटा तीन उपदेश तो तुम ख्याल रखो, हमेशा किला में रहना और बढ़िया बढ़िया भोजन करना और मोहम्मल गद्दे पर सोना। माँ जी में कुछ समझ में नहीं आया हमको, तुम क्या उपदेश कर रहे हो। तब माताजी कहते हैं किले में रहना मतलब हमेशा साधुओं का बीच में रहा करो, अकेला रहने से मन भटक जाएगा। एक दूसरा, जब भूख लगता है तब केवल थोड़ा भी चाना भी चबला चबे जाओगे ना, चबोगे वो बहुत स्वादिष्ट लगेगा। ऐसा जब तक भूख नहीं लगता है तब तक नहीं खाना है ना,
तीसरा चीज ये है, ध्यान करते 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 जब नींद आ जाएगी, तुम पत्थर पर भी सो जाओगे ना, वो नींद इतना गहरा नींद आएगा तो मोहम्मल का गद्दा जैसा लगेगा तुम। एक माँ बेटे को उपदेश दे रही, उन्हीं का गोपी चंद का वचन है, साधु विषखाय मर जाए डेरा कभी न बांधे। साधु विषखाय मर जाए, डेरा मतलब कुटिया ना बनावे। कुटिया बना तो बस ना कॉपी ना थमा पटाटो पर हो जाएगा। गिरधर कविराज डेरा ये गोपी चंद का नहीं, गिरधर कविराज कौन है? साधु विषखाय मर जाए डेरा ना बांधे। अरे भाई ये तो गड़बड़ हो गया, पेज नंबर कितना है? हाँ ठीक है ठीक है, यही वो एक पेज आगे बढ़ गया। इसलिए कर्म कांड का और ज्ञान कांड का इतना भेद है, इतना भेद है, हाँ उसको समझना है, उसके अनुसार पालन करना है। इसलिए वहां क्या कहते हैं धर्म जिज्ञासा, यहाँ क्या कहते हैं ब्रह्मनो जिज्ञासा। मरते दम तक जब तक सोने तक पूरा विचार ये करते रहो, कि एक क्षण भी किसी दूसरा विचार का मन को आप आशय मत दो, वो कहता है इसमें लगाए रखो, है ना। हम 74 में कलकत्ता में रामकृष्ण मर्टन मिशन वाइस प्रेसिडेंट थे स्वामी कैलासान, उनको सेवा करता था। वो एक बात बताया, अभी भी हमको याद है, देखो बेटा आपको मन पढ़ाई में जाप में नहीं लगता हो तो कोई बात है, किंतु सारे कमरे का चीज जो है ना झाड़ झाड़ के बाहर ले जाओ फिर अंदर लाओ, और जो सूखा हुआ कपड़ा 3-4 बार उल्टा सीधा करते रहो, इससे नीचे कभी भी मन को जाने नहीं देना। मतलब यहां किसी ना किसी, और वो एक भी गीता का श्लोक भी नहीं पढ़ा, गुरु जी का केवल आशीर्वाद है। और उस समय 2000 महात्मा का वो प्रेसिडेंट थे, बताओ नहीं कैलासन उनका सेवा में था वो। देखो मतलब ये बात है ना, इन्होंने क्या कहते हैं आसुते रामृते कालम नयेद वेदांत चिंते। उन्होंने क्या तुम दिन भर वेदांत चिंतन नहीं कर सकते, कोई बात है कि तुम मन को नीचे जाने मत दो, विषयों का चिंतन करने में लगने दो मत लगने दो, और किसी ना किसी काम में लगे रहो, दोनों एक ही बात है। वो थोड़ा और थोड़ा सरल कर दिया शास्त्र, थोड़ा तुम दिन भर दिन भर जाप करते रहो ध्यान करते रहो तो वेदांत पढ़ते रहो। सत्येंद्रपुरी जैसा उसका तो 23 तक हो गया था आंक का नंबर, फिर भी पढ़ते रहते थे छोड़ते नहीं थे। अरे हैं कि सिर छूट गए उनका, सिर छूट गए मारना। हाँ जिज्ञासमिति तत्र धर्म ज्ञान फलाद अनुष्ठान सापेक्षाद विलक्षणम। देखो धर्म ज्ञान कर्म का और उसका अनुष्ठान उसका फल, एक बात जरूर याद रखना, कर्म से जो कुछ फल मिलता है वह नित्य, वो कभी भी नित्य और शाश्वत नहीं हो सकता। इसीलिए धर्म ज्ञान फलाद अनुष्ठानम आपेक्षाद विलक्षण, आपेक्षिक फल है, स्वर्ग कहो दूसरा कहो दूसरा सापेक्षात, हाँ उससे विलक्षण क्या है ब्रह्म ज्ञान फलम भवितुमर्हति, वो हमेशा रहता है नित्य रहता है, हाँ फिर जन्म भी नहीं लेता है, फिर मृत्यु को भी प्राप्त नहीं कर सकता है,
एक बार प्राप्त कर लिया जन्म मृत्यु संसार से छूट गया। किति ऐसा नहीं, उससे विलक्षण है, अपेक्षिक फल है, अनित्य फल है। इसलिए ना अर्हति एवं भवितुम कर्म विधि प्रयुक्तस्य ब्रह्मण प्रतिपाद्यमानत्वात्। कर्म विधि प्रयुक्तस्य एव ब्रह्मण प्रतिपाद्य, वो कहता है पूर्वादि, महाराज आप तो बताते हो ठीक है, किंतु ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? कार्य विधि प्रयुक्तस्य एव ब्रह्मण प्रतिपाद्य मानत्वात्, कर्म का अंग मान के ही ब्रह्म का प्रतिपादन किया। क्यों बताता है वो देखो, आत्मा वारे द्रष्टव्य, आत्मा को देखो। केवल देखने के बाद कहता है वो सोतव्य मंतव्य निधि ध्यासितव्य, ये तबियत प्रत्यय क्या है? विधि है, महाराज बोलता है पूर्वादि। तबियत विधि का आभास हम लोग मानते हैं, किंतु वो विधि मानता है कौन? पूर्वादि। इसलिए यह आत्मा अपहत पापमा स्व अन्वेष्टव्य सर विजिज्ञासितव्य। आप जो कहते हो बात ठीक नहीं, कर्मकांडी कहता है। क्यों? ये पाप रहित आत्मा को अन्वेषण करो, जिज्ञासा करो। आत्मा इति उपासित, आत्मा को ही उपासना करो। आत्मानमेव लोकम उपासित, आत्मा ही लोक है, उसी को उपासना करो। ब्रह्म वेद ब्रह्म इत्यादिषु विधानेषु सत्सु, इतना विधान बता गया है। कोसव आत्मा, कोची आत्मा किस चीज का नाम है? किं तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? इत्याशंकायां तत्स्वरूप समर्पणेन सर्वे वेदांत उपयुक्ताः। यहाँ यदि शंका हो सकता है आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, उस आत्मा का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप बताने के लिए सारा ज्ञान कांड है। इसलिए वो क्या कहा पहले, ब्रह्मण जिज्ञासा कर्तव्य, ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म का लक्षण। क्यों? लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। वस्तु सिद्धि कभी हो सकता है लक्षण हो प्रमाण हो। प्रमाण क्या है? यह वेद। अब लक्षण हम बताएंगे उसका, ना नित्य है, सर्वव्यापक है, वही ब्रह्म इत्यादि बता संख्या स्वरूप समर्पण है ना सर्वे वेदांत उपनियुक्ता। नित्य सर्वज्ञ सर्वगत नित्य तुप्त नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्येवम् आदयः। वेदांत में क्या कहता है? वह आत्मा नित्य है, सब कुछ जानता है, सर्वव्यापक है। वह आत्मा नित्य तृप्त है, उसका कोई चीज का आवश्यकता नहीं है। परमात्मा को क्या चाहिए भाई? वो नित्य तृप्त है और हमेशा रहता है, पाप नहीं उसके अंदर, ज्ञान स्वरूप है, मुक्त स्वभाव वाला है, वही तुम्हारा आत्मा है। किंतु आप उल्टा समझ बैठे हो। आप क्या समझ बैठे हो? उल्टा समझ बैठे हो। हाँ, तो जहाँ वो भवन बनना है ना, जो कमरे बन रहे हैं वहाँ डलवाना, ठीक है ना जी? समझिए कहाँ लेंगे, जो अभी बना है कमरा, उसके बगल में वो पहले बन रहा है, एक साल के पीछे। हाँ हाँ, थोड़ा रुको जी, ये ऐसे थोड़ी नीचे तरफ कर देना उसको, ठीक है? ठीक है जी। विज्ञान मतलब ज्ञप्तिर ज्ञान, विशेष ज्ञान, बोध स्वरूप है, अनुभव स्वरूप है आत्मा, और आनंद है, दुख नहीं उसमें। ब्रह्म इत्येवम् ने ये कहते हो आत्मा का सत्यम ज्ञानम आनंदम। आत्मा है, ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। अरे एक तरफ आप कहते हो निराकार निर्गुण, फिर तीन गुण क्यों बताया भाई? बोलने से वो कहते हैं उल्टा ना समझ ले, इस आत्मा को अलीक मत समझो, अज्ञान स्वरूप मत समझो, दुख स्वरूप मत समझो। इन तीनों आपका समझ का विपरीत बोलने के लिए ही हम ये स्वरूप लक्षण बताया। इसको ऐसा समझ लो, एक किसान थे, वो किसान जो है
सुबह सुबह उठ के भगवान को प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? हमको घोड़ा चाहिए। ठीक है, गर्मी का मौसम था, खेत में चले गए। खेत में जाकर अकेला बैठ के काम कर रहा था। इतना बीच में वो गांव का जो दरोगा है ना, दरोगा के पास एक घोड़ा था, घोड़ी थी, वो घोड़ी गाभिन भी थी। ये जिस दिन प्रार्थना किया ना, उसी दिन वो घास काटे 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 वहां खेत पर चले गया। उसका खेत का बगल में वो बच्चा दे दिया। और इधर से जाने वाला दरोगा का बता दिया, भाई वो तो खेत का बगल में तुम्हारा घोड़ा बच्चा दे दिया। दरोगा आए, दरोगा आके देखते हैं गर्मी का मौसम में अकेला बैठ के, तो ये जो किसान जो प्रार्थना किया वो खेत में काम कर रहा था। फिर दरोगा ने इधर उधर कोई दीप मिला नहीं, ए इधर आओ, क्योंकि गांव का दरोगा है, उसका डाक चलता है, ए इधर आओ। आया किसान, बच्चा उठाओ, चलो मना घर पहुंचो। तब वो बच्चा गोद में जब उठाया कंधे में, तब वो गुड़ा गुड़गुड़ाने लगा, हे भगवान तुमने उल्टा समझा, हे भगवान तुमने उल्टा समझा। क्या उल्टा समझा? मैं घोड़ा में चढ़ना चाहता था, हमारा ऊपर तुम घोड़ा चढ़ा दिया। ऐसा ही उल्टा ना समझे। वो ये कहता है, भगवान तुम उल्टा समझा बोलते हो। ऐसा ही ये जो अलीक, अलीक मतलब आकाश कुसुम बंध्या पुत्र जैसा, आत्मा अलीक नहीं है, आत्मा अलीक है, अलीक वस्तु नहीं समझना। इसलिए सत्यम है अस्ति और ज्ञान स्वरूप है। वो दीवाल है, ये वो पेड़ पौधे, ये सब ज्ञान स्वरूप नहीं है। इसलिए बोध है, उसका ज्ञान स्वरूप है। और बोध स्वरूप गाय का है, कुत्ता का भी बोध रहता है, डंडा उठा भाग जाएगा, रोटी गिला आ जाएगा ऐसा। किंतु वो दुख स्वरूप है, उसके अंदर सुख नहीं है, दुख कोई भोगते रहते हैं जानवर सब। इसलिए ऐसा दुख स्वरूप मत समझो। इसलिए तीन विशेषण दे दिया, उल्टा ना समझ ले। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इसलिए वो क्या कहता है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है ना। अनुभव स्वरूप है विज्ञानम, आनंद स्वरूप है इत्येव माध्या। तद उपासनाचा शास्त्र दृष्टो अदृष्टो मोक्ष फलम भविष्यति। उस या उपास नजदीक रहना, नजदीक रहना मतलब जिस किसी चीज को तुम उपासना करते हो उसके साथ तादात्म्य होना ही उपासना का फल है। इसलिए यहाँ आत्मा का उपासना करो मतलब आत्मस्वरूप हो जाओ। उसका फल क्या है? मोक्ष। मोक्षम फलम भविष्यति। कर्तव्य विधि अननुप्रवेशेतु वस्तु मात्र कथने अनुपादान असंभवात। वो पूर्व पक्षी कहता है, महाराज कोई वस्तु है उसको ना लेना ना देना, हान नहीं ना उपादान है, वो असंभव है। उसका वस्तु का प्रवेश, वस्तु को पाना। अब राम ग्रामम गच्छति, कहा राम गांव जा रहा है। अरे इस गांव छोड़ के उस गांव के साथ एक होगा तभी तो वो गांव गए बोले हुए, हाँ ऐसा मतलब गांव को प्राप्त कर लिया। ऐसा होता है वस्तु। किंतु कर्तव्य विधि अननुप्रवेश, कुछ करना पड़ेगा प्राप्त करना हो तो, हाँ वस्तु मात्र कथने। वस्तु है आज अभी जो बताए ना, उत्तर दिशा में हिमालय है, इसे क्या लाभ हुआ भाई तुमको? कुछ लाभ तो होने वाला है। ऐसे तुम कहते हो ब्रह्म है, आत्मा है, इससे हमको क्या फायदा होगा? इसलिए वस्तु वस्तु मात्र कथन हानोपादान असंभवात। केवल हिमालय है कहने से ना उसको आप प्राप्त कर सकते हो, ना उसको छोड़ सकते हो, या कुछ ही कर्तव्य तो है ही नहीं। इसलिए आपका जो ब्रह्म वस्तु मात्र कहते हो इससे कोई फायदा नहीं। महाराज कौन कहता है? पूर्व, तब कहता है सप्तद्वीपा वसुमती राजा सौगच्छति। ये पूर्व पक्षी दृष्टांत देता है, सात दीप वाला पृथ्वी है,
वो राजा जा रहा है, ऐसे वाक्य से क्या फायदा है भाई तुम्हारा? राजा जा रहा तो जा रहे, तुमको क्या प्राप्त हुआ? सात दीप वाला पृथ्वी है भाई, ना कुछ लेना है कुछ देना है, क्या होगा? इत्यादि वाक्यवत वेदांत वाक्यानाम अनर्थक्यम। वेदांत वाक्य सब बेकार है महाराज, पूर्ववादी कहता है। ननु वस्तु तप सिद्धांति कहते हैं, देखो भाई वस्तु मात्र कथने पी रज्जुरियन नायम सर्प, ये केवल रस्सी है सांप नहीं है इत्यादो भ्रांति जनित भीत निवत्त नेना अर्थवत्व दुष्टम। भ्रांति के द्वारा उत्पन्न भय का भय हट जाता है, या रस्सी है सर्प नहीं है। अभी भी कुछ दिन पहले वो गाड़ी खड़ा हुआ था उधर भोजनालय के जाते समय आश्रम में अपना, वहां नीचे काला काला पड़ा है, वहां लाइट है ही नहीं। हम लोग सोचे तो साफ भी होगा, लाके देखते हैं बिल्कुल रस्सी है, ऐसा लपेट के पड़ा हुआ होता है। किंतु वो जो पता लग जाने से वस्तु जो है वही है, किंतु भ्रांति आपका भ्रम भी मिट गया, डर भी निकल जाता है। आप कहते हो किसी वस्तु है कहने से कुछ नहीं होता, देखो कितना हो रहा है इधर। ऐसे ही केवल आत्मा ही ब्रह्म है, दुनिया मिथ्या है। इतना जानने पर भी अनुभव भले मत करो, जानने पर भी आपका मन का अंदर जो भारीपना है, जो शोक दुख मोह इत्यादि है, घट जाता है कि नहीं? हाँ, इसलिए कहते हैं भ्रांति जनित भीत निवर्तत्व नाम अर्थवत्व, अरे तुम सार्थक है। तथा यहापि असंसारी आत्मवस्तु कथनेना संसारित्व भ्रांति निवर्तनेना अर्थवत्व। ऐसा ही ये असंसारी आत्मवस्तु कथनेना, आत्मा संसारी नहीं है, उसके अंदर संसारित्व जो भ्रम है वह निकल जाता है। स्याद एतदेवम् यदि रज्जुस्वरूप श्रवण मात्रेण इव सर्पभ्रांति ही संसारित्व भ्रांते ब्रह्म स्वरूप श्रवण मात्रेण निवर्तेत। वो पूर्वादि कहता है भाई देखो, यहां दो बात है, एक तो साधारण भ्रम है, दूसरा मूला विद्या है। आप रज्जु में सर्प नहीं जानने मात्र से आपके अंदर रहने वाला मूल अज्ञान निकलता नहीं। मैं संसारी हूं, मैं करता हूं भोगता हूं, मैं आदमी हूं। आप तो सामने रज्जू देखा, सर्प है ही नहीं, वो ज्ञान तो हो गए ना। उस ज्ञान से आपका भीतर रहने वाला मैं आदमी हूं, मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं करता हूं, ये मूला ज्ञान निकलेगा? नहीं निकलेगा। कोई पूछ रहा है पूर्वाद, देखो संसारित्व भ्रांति ब्रह्म स्वरूप श्रवण मात्रेण, संसार का भ्रांति है ही नहीं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। निवर्तेता कैसा? रज्जु स्वरूप श्रवण मात्रेण सर्प भ्रांति ही। रज्जु को दिख ले सर्प का भ्रांति तो निकल गया, किंतु मैं संसारी हूं, मैं आदमी हूं, ये सब भ्रांति कहां से निकलेगा महाराज? नहीं निकलेगा। सुत ब्रह्मणोपि यथा पूर्वम सुख दुखादि संसार धर्म दर्शनात्। जो ब्रह्म के बारे में सुनता है उसको भी हम देखते हैं, वो सुखी दुखी संसार में रहता है। और दूसरी बात देखो, आप विधि नहीं कहते, हम विधि अधिकार है तुम्हारे वेदांत में, श्रोतव्यो मंतव्यो निधि ध्यासितव्य ते श्रवण उत्तर कालयोर मनन निधि ध्यासनयो हो। विधि दर्शना तव्यत प्रत्यय विधि में होता है, इसीलिए आप केवल ब्रह्म के बारे में सुनने से तो कुछ नहीं हो रहा है, मनन करो निधिध्यासन करो बोल रहे, ये विधि है। तब तस्मात प्रतिपत्ति विधि विषयतया एवा शास्त्र प्रमाणम ब्रह्म अभ्युपगंतव्यम। इसलिए विधि विषयतया एव, वो घूम फिर के वही आता है, विधि का विषय मानकर ही
शास्त्र प्रमाण है, ऐसा ही ब्रह्म अभिभगंते ब्रह्म को भी ऐसा ही मानना पड़ेगा महाराज आपको। इसका मतलब वो क्या कहना चाहता है, ब्रह्म जो है श्रोतव्य मंतव्य कहने से विधि परक है, हम पहले से बता रहे हैं विधि का अंग है ये अत्र अभिधीयते। अब सिद्धांति कह रहे हैं ना कर्म ब्रह्म विद्या फलयोर वैलक्षण। अरे भाई कर्म का फल अनित्य है, हाँ ब्रह्म ज्ञान का फल नित्य है, दोनों को फल अलग है विलक्षण है। शारीर वाचिक मानसं च कर्म श्रुति स्मृति सिद्धम धर्माख्यम। शरीर से कुछ कर्म करो वाह वाह, वाणी से कुछ कर्म करो, मन से कुछ कर्म करो, मन से उपासना हाँ, और शरीर से जो है यज्ञ आदि, वचने मन से जो है जप आदि कर्म होता है, श्रुति में स्मृति में प्रसिद्ध है, इसको धर्म कहते हैं। कर्म को क्या है धर्म कहते हैं। यद विषया जिज्ञासा था तो धर्म जिज्ञासा सूतिता, इसके संबंध में धर्म जिज्ञासा सूत्र से व्याख्यान किया गया है। अधर्मोपि हिंसा आदि प्रतिषेध चोधना लक्षणत्वाद जिज्ञास्य परिहाराय। देखो अधर्म होने पर भी धर्म तो है ही नहीं हिंसा आदि, उसका हिंसा आदि को छोड़ने के लिए ज्ञान होना चाहिए। इसलिए वह रामायण में तुलसीदास पहले दुष्टों को वर्णन किया, बाद में सत्पुरुषों को वर्णन किया, क्यों, दुष्टों से दूर रहने के लिए। अरे ये दुष्ट है जानते तभी तो उससे दूर रह सकते हो, ऐसा ही अधर्म क्या है जानना है तभी तो उससे दूर रह सकते, क्या कर सकते। प्रतिषेध चोदना लक्षणत्व जिज्ञासा परिहार है। तयोश्चोधना लक्षणयोर अर्थ अनर्थयोर धर्माधर्मयोर फले प्रत्यक्षे। ये जो विधि का जो है ना धर्म और अधर्म का फल जो है प्रत्यक्ष है, सुख दुख शरीर वांग मनोभिर ये उपभुज्य माने विषय। और ये जो कर्म का फल क्या होगा, और शरीर से वाणी से मन से ही आप उपभोग करते हो। विषयेन्द्र संयोजन्य ब्रह्मादिषु स्थावरान्तेषु प्रसिद्धे। यहाँ ब्रह्म मतलब चतुर्मुख ब्रह्म लेना है, कल परसों बता रहे थे ना वो जो शिव जी का याग जब हो रहा था वो हाँ, वो वहाँ ऐसा नहीं है पार्वती का चारा देखने के लिए वह लकड़ी गीला लकड़ी ज्यादा डाल दिया ब्रह्मा जी ने एक दिन, वो तो धुमा के लिए तो मुख पोछेगी हाँ घूंघट निकालेगी तब देख लिया। अरे वो ब्रह्मा तक क्या है विषय और इंद्रिय जिन सुख शरीर वांग मनोभरी उपयोगित शरीर मन वाणी से भुकाया जाता है और विषय और इंद्रिय का संयोग से ही उत्पन्न होता है। कहां से लेके ब्रह्मा से लेके स्थावरान तक प्रसिद्ध है। मनुष्यत्वात् आरभ्य ब्रह्मांतेषु देहवसु सुख तारतम्यम अनुसूयते। मनुष्य से लेके और वो जो ब्रह्मा कौन हिरण्यगर्भ ब्रह्मा वहां तक सुख तारतम्य तैतृय उपनिषद में बताया क्या शिष्टो दृष्टो बलिष्ठ इत्यादि से लेके हाँ स एक ब्रह्मण आनंद वह ब्रह्म का आनंद। देखो एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्म होता है सूत्रात्मा, अनेक ब्रह्मांडों में अनेक सूत्रात्मा होता है, किंतु उसी तैतृय उपनिषद भाष्य में लिखा है ये जो ब्रह्मज्ञानी का आनंद ये सभी ब्रह्माओं का आनंद जो है ना वह इस ब्रह्म का ब्रह्मज्ञानी का आनंद में एक मात्रा है। बताओ सभी ब्रह्मांड में रहने वाला ब्रह्म का आनंद जो है ब्रह्मज्ञानी का आनंद में थोड़ा से है, उससे आप अंदाजा लगाओ आत्मज्ञान का आनंद कितना ज्यादा है। तत् हेतोर धर्मस्यापि तारतम्यम गम्यते। सुख तारतम्य है कहां से, ब्रह्मा से लेके मनुष्य तक, ऐसा है उसके अंदर धर्म का भी तारतम्य तो होगा ही,
और जितना ज्यादा धर्म करेगा उतना सुख में अनुभव है। धर्मांतर धर्मांतर तम्यादपि धर्मधारादि अधिकारी तारतम्य। धर्म अलग होता है, अधिकारी अलग अलग होता है। प्रसिद्ध अस्तित्व सामर्थ्यात् अस्तित्व सामर्थ्य विद्वत्ता विद्वत्तादि कृतम अधिकारी तारतम्यम। ये क्या है? पहले ज्ञान, उसके बाद याचना मांग। अस्तित्व मतलब मांग, अपना इच्छा के अनुसार, अपना विद्या के अनुसार वह धर्म में भी तारतम्य रहता है। तथा च यागाद अनुष्ठायिनमेव विद्या समाधि विशेषाद उत्तरेण पथागमनम्। यागादि अनुष्ठायिनम एव, जो व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता है उसके अंदर कभी भी विवेक वैराग जगेगा नहीं। यह यागादि अनुष्ठान से क्या लेना है? जो इस जन्म में हो, पूर्व जन्म में हो, वह गृहस्थ रखे, वो जो गृहस्थ का धर्म पूरा पालन किया, यज्ञ याग आदि, जप आदि, संध्या वंदन, तर्पण इत्यादि, अनुष्ठायिनम एव, मतलब यहाँ क्या करना है? सीधा धर्म अनुष्ठायिनम एव, धर्म मार्ग में जो चलता है उसको ही विद्या समाधि विशेषाद उत्तरेण पदा गमनम, उपासना के द्वारा समाधि ये क्या है ध्यान इत्यादि के द्वारा उत्तरेण पथा गमनम, मतलब जब तक आदमी के अंदर धर्म नहीं रहता है, धर्म का अनुपालन नहीं रहता है तब तक वह वेग वैराग लाकर उत्तर मार्ग से नहीं जाए, उत्तर मार्ग मतलब जहां से नहीं लौटता है। उत्तर मार्ग में जाने के लिए भी धर्म का पालन आवश्यक है और मोक्ष पाने के लिए। इसीलिए अभी हो वहां शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्मचर्य से ही जो संन्यास लेता है वो पिछले जन्म में सब वेद वेदांत पढ़ रखा है, धर्म का पालन कर रखा है, तभी तो इस जन्म में उसका वैराग्य हो रहा है। इसलिए जो धर्म विधि का पालन कर चुका है उसी के अंदर मन शुद्ध होगा, वही निष्काम भाव से कर्म कर सकेगा, उसी के अंदर विवेक वैराग्य उत्पन्न होगा। इसलिए वही व्यक्ति उत्तर मार्ग से जाएगा, है ना? विद्या सामाज विशेषाद उत्तरेण पथा गमन, मतलब उत्तर मार्ग से जाएगा। केवल ही इष्टापूर्त दत्त वापी कूप तटाक आदि इत्यादि, है ना, ये पेड़ पौधा लगाना और यज्ञ बहिर्वेदी का दान देना, ये सब इष्टापूर्त दत्त है। साधन ही धूमादि क्रमेण दक्षिणेण पथा, तुम जितना भी याग आदि करो, याग का कर्म का फल यदि चाहते हो तो तुमको उत्तरायण मार्ग में जाने का अधिकार नहीं है। जाओ आओ, जाओ आओ, है ना, दक्षिण मार्ग में जा सकते हो। ये विधि गम्यते तारतम्येन वर्तमानः तया ऊर्ध्वगतेषु अधोगतेषु च देहवत्सु दुःख तारतम्य दर्शनाम् तद्हेतोर् अधर्मस्य प्रतिषेध चोदना लक्षणस्य तद अनुष्ठायन च तारतम्यं गम्यते। ऊर्ध्वगतेषु अधोगतेषु, ऊपर जाना नैसे नीचे आना, देहवा देहवालों का दुख तारतम्य दर्शनात्, ऊपर जाने वाला नीचे जाने वाला, नरक में जाने वाला, शुक्र गुक्र में बहुत दुख रहता है, दुख में भी ज्यादा बड़ा है। दर्शनात् तद हेतु, दुख किसके लिए? अधर्म के कारण, उसका प्रतिषेध कर दिया वेदों में। प्रतिषेध चोदना लक्षण तद अनुष्ठायन तारतम्यम गम्यते, उसका दुख का जो कारण अधर्म का यहाँ प्रतिषेध किया गया है,
मत करो निषेध के द्वारा, और उसका अनुष्ठान करने वाला ज्यादा अधर्म करेगा, ज्यादा पाप को भोगेगा। इसलिए एवं अविद्यादि दोषवताम धर्मा धर्म तारतम्य निमित्तम, जो अज्ञान को आलंबन लेता है वो धर्म और अधर्म का भेद से शरीर, आगे क्या है, शरीर उपादान पूर्वकम सुख दुख तारतम्यम, शरीर ऐसा ज्यादा अधर्म करेगा, ज्यादा दुख वाला शरीर जैसा कुल्लू का बैल बनेगा। तारतम्य अनित्यम संसार रूपम स्मृति श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धम, श्रुति में भी बताया, स्मृति में भी बताया, और लौकिक न्याय भी है। तथा च श्रुति ही न वै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रियोर अपहतिरस्ति, जब तक शरीर है, शरीर का अभिमान है, शरीर के अंदर अहंकार है, तब तक प्रिय और अप्रिय से आप हट नहीं सकते हो। इति यथा वर्णितम संसार रूपम अनुवदति, ये सब क्या है संसार, अशरीर अवसंतम न प्रिया प्रिय, जिसका शरीर अभिमान नहीं है, सदाशिव ब्रह्म हाथ काट दिया वो जा रहा है, और त्रैलिंग स्वामी उसको तो काशी जैसा कड़क धूप वाले में वो गर्मी का मौसम में गंगा का रेती पर सो जाता था नंग धड़ा, उसके चमड़ा जो है ना जल जल के जल जल के भैंस का भैंसा का जैसा चमड़ा हो गया था मोटा, वो कोई ना सुख है ना दुख है पड़ा, पैदल नहीं चल सकते हो काशी का गर्मी का मौसम में, वहां रेती पर गंगा के किनारे रहते पैदल नहीं जा सकते, वो पड़े रहते थे दिन, मतलब उस शरीर का अभिमान से परे, और जिंदगी भर अपने हाथों से वो कभी खाया नहीं है, दूसरा खिलाने से खाता था नहीं से नहीं खाता था, 3 दिन के बाद वहां से उठ के गंगा जल लेते थे, गंगा जल दूध हो जाता था पी लेते त्रैलिंग स्वामी। ऐसा आदमी के अंदर शरीर का भार कहाँ रहेगा भाई, ऐसा आदमी के अंदर सुख दुख क्या है, इसलिए वो कहते हैं अशरीरम वा वसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः, प्रिय अप्रिय उसको स्पर्श नहीं करता है, क्यों, शरीर के अंदर अभिमान नहीं है उसका। इति प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेधात चोधना लक्षण धर्म कार्यत्व मोक्षाख्यम स्या अशरीरत्व स्या प्रतिषिध्यते गम्यते। इति प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेधात, जिसका शरीर भान है उसका प्रिय नहीं अप्रिय नहीं है, अच्छा चोदना लक्षण धर्म कार्यत्म उसके अंदर फिर भाव, वो तो पूरा आत्मा चिंतन में पड़े हैं, उसको तुम जाके कर्म कहाँ लगाओगे, तुम ये कर्म करो ये कर्म करो, उसका चोदना लक्षण धर्म कार्यत्म वो भी है नहीं। मोक्षाख्यंसा अशरीरत्व प्रतिषिध्यते इति गम्यते, इसलिए वो शरीर का भी प्रतिषेध कर दिया, मोक्ष है उसका। धर्म कार्यत्व ही प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेधो नोपपद्यते, वह जो धर्म का कार्य करना चाहते हो आत्म के साथ प्रिय और अप्रिय आपको मानना ही पड़ेगा, उसे ऊपर नहीं उठ सकते। अशरीरत्व में वह धर्म कार्य मित चेत, वो कहते हैं शरीर का भान नहीं रहना ही धर्म का कार्य ऐसे मानना, तस्य स्वाभाविकत्वात् अशरीरम शरीरेषु अनवस्थितेषु अवस्थितम महात्मात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। अरे अशरीरम से अनवस्थितेषु अवस्थितम महात्मा कठोपनिषद का अशरीरम शरीरेषु शरीर अत्यवे शरीर का भान है, अनवस्थितेषु अवस्थितम जो अनित्य में नित्य रूप से रहता है आत्मा, महांतम वो विभु व्यापक आत्मान मत्वा, यहाँ मत्ता मतलब जान करने अनुभव करके, विवेकी न सोचती अप्राणो ह्यमना शुभ्र, उसका
आत्मा के अंदर प्राण भी नहीं है, मन भी नहीं है, शुद्ध है। असंगो ही अयम पुरुष है, पुरुष असंग है। अतएव अनुष्ठेय कर्म फल विलक्षणम मोक्षाख्यम अशरीरत्व नित्यम इति सिद्धम। यहाँ आके सिद्धांत कह रहे हैं, इसलिए भैया जी अनुष्ठेय कर्म विलक्षणम, अनुष्ठेय कर्म से अलग है, मोक्षाख्य है, अशरीर है, नित्य है, किंचित परिणामी नित्यम स्यात् यस्मिन् विक्रियमाणेपि तदेव इदमिति बुद्धिर्न विहन्यते। अब नित्य का भाव विभाग कर रहा है, ये क्या परिणामी नित्य, बदलते हुए ही नित्य है। जैसे गंगा का स्रोत है, जिस गंगा जल में तुम डुबकी लगाया उसी में दोबारा डुबकी नहीं लगा सकते, किंतु गंगा प्रवाह से दही दही से घट प्राणामित नित्य है दूध नहीं, किंतु यहाँ पूरा दूध बदल गया है ना, दूध कहाँ मिलेगा आपको, दूध को दही बनाने से दूध नहीं मिलेगा। गंगा जल तो क्षणिक हो गया, वो क्षणिक नहीं है किंतु परिणाम ही नित्य है ना। जैसा संसार है, संसार सृष्टि स्थिति लय होते रहता है, विकृति से नित्य है। जैसा माया परिणामी होने पर भी वो नित्य है, अब बताएंगे क्या बताएंगे हम, आप अपने तरफ से क्यों सोचे ना, वो खुद बताएगा। किंचित परिणामी नित्यम स्यात् यस्मिन् विक्रियमाणे पि तदेव इदमिति बुद्धि न विहिनते। विकार होने पर भी वही यही है, ये बुद्धि नहीं हटता है। यथा पृथ्वी आदि जगत नित्यत्वादिना, देखो जगत नित्य है बदलते, यथा वा सांख्यानाम गुणाः, बदलते हुए भी गुणों को नित्य मानते हैं। इदंत पारमार्थिकम कूटस्थ नित्यम, किंतु ये जो आत्मा है ना ये व्यावहारिक नहीं, वो जो परिणामी नित्य जो है व्यावहारिक है, ये परिणामी है, ये नित्य है, पारमार्थिकम नित्यम, ये कूटस्थ, इसमें विकार नहीं है। हाँ व्योम सर्वव्यापी, आकाश के जैसा सर्वव्यापी है, सर्व विक्रिया रहित, कभी बदलता नहीं, नित्य तृप्त है, निरवयव है, स्वयं ज्योति स्वरूप है। यत्र धर्मा धर्मो सह कार्येण कालत्रयं च नोपवर्तेत, धर्म और धर्म अधर्म जो है ना कार्य के साथ तीनों कालों का जो नहीं लांघता है, तदेतद् अशरीरं मोक्षः। कालत्रयं च न उपावर्तेत, हाँ काल काल से अतीत है, धर्मा धर्म, धर्मा धर्म भी है, काल से अतीत जो है वही तद अशरीरत्व मोक्ष, मतलब उसमें काल से भी भिन्न है, धर्मा धर्म से भिन्न है, ये कारण कार्य से भी भिन्न है। जैसा हम लोग ईशावासी में पढ़ा है ना, संभूति असंभूति, संभूति कार्य हिरण्यगर्भ ब्रह्मा विराट इत्यादि, असंभूति ईश्वर कारण, उन दोनों से भी अतिरिक्त, इसलिए धर्माधर्म से अतिरिक्त करता है, अकाल से भी अतिरिक्त, अशरीर मोक्षाक्यम, अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अधर्माद अन्यत्र अस्मात् कृता कृता अन्यत्र भूताच भव्याच तद्वद। हाँ अरे भैया तो हमारा प्रशंसा करते जा रहे, क्या पूछा तू क्या बोल रहे, कौन कहता है नचिकेता धर्मराज को कहता है, हाँ आप तो हमको तो परीक्षा करके हमारा प्रशंसा में उलझ गया। देख लगा धर्म और अधर्म से अभिन्न, हाँ जो कर्तव्य है और अकर्तव्य उससे भिन्न, भूत भविष्य वर्तमान से भिन्न, उसको बताओ हमको, इसको विशेष उपक्रम कहा गया कठोपनिषद में इत्यादि श्रुतिभ्यः। अतः तद् ब्रह्मा अस्य इयम् जिज्ञासा प्रस्तुता, इतना ही रखें, ये ब्रह्म है उसका जिज्ञासा यहाँ प्रस्तुत है। अब देखो ये चौथा सूत्र पूरा हो जाएगा कि नहीं, देखो हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।
वशिष्ठते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सुप्रभासयुतं वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरौ गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः ओम दशरथ।